तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्या कबड्डी लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का चौथा मैच और टूर्नामेंट का 59वां मैच जो कि खेला जाएगा कियांबू प्लकर्स केसी वर्सेज ब्लैक फाल्कोन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा और कोई भी पार्ट आपको यहाँ से वीडियो का स्किप नहीं करना है, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना तो इजीली आप यहां पर काफी शानदार विनिंग कर सकते हो। ये मैच भाई अगर देखा जाए ना तो यहां पर भाई डिफरेंशियल पिक्स का रोल बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने दम पर गेम चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन भाई उनका सिलेक्शन आपको यहां पर काफी कम देखने को मिलेगा। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो मतलब एक आध मैच में परफॉर्मेंस देने के बाद यहां पर उनका सिलेक्शन काफी हाई हो रखा है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर करके भेजेंगे। दूसरी बात, यहां पर भाई आपके लिए 20 लाख रुपए की जीएल भी लगी हुई है, तो इस जीएल के लिए भी डिफरेंशियल पिक्स आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। कौन से ऐसे प्लेयर से जिन्हें आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कौन से ऐसे प्लेयर से जिनका काफी हाई सिलेक्शन और उन्हें आप जीएल में इजीली ड्रॉप करके चल सकते हो, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो इजिली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग भी करने वाले हो। अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 20 लाख रुपए की जीएल है ना, इसकी मैं आपको 6 जीएल की टीम आफ्टर लाइनअप्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। यहां पर अगर बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट मैच जो अभी स्टार्ट हुआ है, आज के दिन का पहला मैच, उसमें भाई मैंने जीएल की टीम्स प्रोवाइड करवाई है। कल की अगर बात करें तो कल भाई हमने क्रिकेट में, कबड्डी में, हर जगह कमाल की विनिंग की है भाई। क्रिकेट के मैचेस की विनिंग आप देख सकते हो वन साइडेड। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो भाई यहां पर कबड्डी में भी हमने काफी कमाल की विनिंग की थी कल। यहां पर आप देख सकते हो ये भाई हमारी कबड्डी की विनिंग है, जीएल, मिनी जीएल, स्मॉल लीग, हर जगह हमने अच्छी खासी रैंक हासिल की है। लगातार आपको अल्ट्रा क्लीनशिप पे अल्ट्रा क्लीनशिप करवा के दे रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। लगातार विनिंग के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जीएल में भी रैंक के कम लेके आ रहे हैं। अब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी दोस्त हमारी फाइनल टीम होगी या फाइनल अपडेट होगी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगा। अब अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर आपका आपके लिए यहाँ पर लिंक वर्क कर ही जाएगा। फिर भी अगर लिंक वर्क बाई चांस ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो @KPM टीम, लेकिन भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिंक से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि देखिए @KPM टीम लिखते हैं आपको यहां पर भाई 3 और चैनल दिखेंगे जो बिल्कुल फेक है, लेकिन जो टॉप वाला चैनल है ये हमारा ओरिजिनल चैनल है, और ये टॉप पर आपको तभी दिखेगा जब भाई आप यहां पर @KPM टीम सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, सारे जो अक्षर वो स्मॉल लेटर्स में यानी कि छोटे अक्षर में आपको लिखना है। दूसरी बात, आपको यहां पर इस चैनल पर आकर ज्वाइन कर लेना है। अब अगर बात करें भाई यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट्स टेबल, तो यहां पर आप देख लेते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं कि कियांबू प्लकर्स की टीम 8 मैच में से 1 मैच जीता है, 7 मैच हारे, बिल्कुल नीचे लगी हुई है। वही अगर बात करोगे ब्लैक फाल्कोन्स की तो 8 मैच में से 2 मैच इन्होंने विन किया, 5 मैच ये हार के आ रहे हैं। लेकिन भाई यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि भाई इनकी जो टीम है ना उनके प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, तो भाई वो हार भी रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि मतलब वन साइडेड हार रहे हैं या फिर इनकी तरफ से किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, काफी सारे प्लेयर्स के यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको आती नजर आएगी। तो चलिए भाई अब बात करते हैं टीम की, तो मैं आपको टीम भी बना के दिखाऊंगा। उससे पहले भाई यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि जीएल की टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी मिलेगी, तो अभी के लिए आप यहाँ से बात, अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की। कियांबू प्लकर से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको एस मबूरू दिखेंगे जिन्हें आप जीएल मिनी जीएल में रोटेशन के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। मवांगी की बात करें तो इन्हें भी भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा अगर खेलते हैं तो। बी नगामो की बात करें तो भाई इन्हें हम अपनी टीम में रखने वाले हैं। एक बार भाई मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ ड्रीम इलेवन, यहाँ से भाई आप देखिए KIP टीम के प्लेयर्स की, तो यहाँ से बी नगामू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। लास्ट के 3 मैच भाई यहाँ पर आप देख सकते हो बंदे ने कमाल किया हुआ है, उससे पहले भी यहाँ पर ज़्यादा इन्हें मौका मिला नहीं था। यहाँ पर लास्ट मैच में देखोगे 2 टैकल, उससे पहले वाले मैच में देखो भाई आई फाइव इन्होंने कंप्लीट किया था, उससे पहले वाले मैच में 3 टैकल, यानी कि बेहतरीन डिफेंडर मस्ट ऑफ पिक रहेगा। एंड नगूरे की बात करें अगेन भाई बहुत ही शानदार प्लेयर, लास्ट मैच में VC दिया था, वन साइडेड विनिंग इसने करवाई थी, सब्स्टिट्यूट लिस्ट में रहा था और भाई यहाँ पर खेलने आया, तब आप देख सकते हो हेड
डिफेंस सेक्शन में, लेकिन भाई यहाँ पर आपको 13 टच पॉइंट, 8 बोनस पॉइंट, यानी कि टोटल 21 रेड पॉइंट प्लस 2 यहाँ पर टैकल पॉइंट लेता दिखेगा। बहुत ही शानदार प्लेयर है, मास्टर पिक आपके लिए रहेगा। जी गीतोंडा की बात करें तो जीएल मिनी जीएल में आप मेनली इन्हें ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मेन फोकस भाई आपका इन्हें जीएल मिनी जीएल में ट्राई करने का होना चाहिए। अब यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सीन अम्बुसवा आपको दिखेंगे जो लास्ट मैच में कंप्लीटली फ्लॉप रहे थे, सारी दुनिया इनको सीवीसी बना के आई थी, हमने नहीं बनाया और यही एक रीजन था कि हम यहाँ पर काफी शानदार विनिंग करके गए। इसके अलावा यहाँ पर आज के इस मैच की बात करूँ, अगर ये स्टार्टिंग सेवन में रहता तो भाई 101% आप इन्हें अपनी टीम में सीवीसी बना दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्लेयर, 100% आपके लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है। बी गीतांजी की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने 6 टच पॉइंट, 3 बोनस पॉइंट निकाले थे, बहुत ही शानदार प्लेयर है ये भी, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। बात करें यहाँ से आप डेनिस की, तो अगर खेलते हैं तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 मैच के बाद भाई कंसिस्टेंसी में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब अगर बात करें सामने वाली टीम की यानी कि ब्लैक फाल्कन्स की, तो इनकी तरफ से रेडिंग में आपको एसंबोलो दिखेंगे जो लास्ट मैच में जरूर कंप्लीटली फ्लॉप रहे थे, लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पर हर मैच में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे, तो आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेयर रहेंगे। मैं इन्हें अपनी टीम में रखूँ ही रखूँगा, इवन सीवीसी बना सकता हूँ। सेकंड लास्ट मैच में भी आप देख सकते हो 37 टच पॉइंट मतलब रेड पॉइंट इन्होंने टोटल निकाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। वी मितुरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट मैच में इन्होंने 3 टैकल किए, बहुत ही शानदार प्लेयर, जरूर से आप इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो। वही अगर यहाँ पर भाई बात करें आपको ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको जे ओरा दिखेंगे जो कि काफ़ी शानदार प्लेयर है, लास्ट मैच में भाई कैप्टनसी दी थी, वन साइडेड विनिंग इन्होंने हमें करवा के दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 280 पॉइंट इन्होंने हमें दिए थे, बहुत ही शानदार विनिंग करवाई थी। जे सिंडेला की बात करें जीएल मिनी जीएल में आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। सी ओचेंग की बात करें तो अगेन भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भाई देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पर आपको के ओडे दिखेंगे जिन्हें आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 ही मैच यहाँ पर इन्होंने अच्छे खेले, उसके बाद भाई ये खेले नहीं है, अगर खेलते तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी तरफ से भाई आपको रेडिंग सेक्शन में यहाँ पर हमने बात कर ली, तो यहाँ से डिफेंस सेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो आपको जो प्लेयर दिखेंगे वो कायल मिरर, के ताइलैंड दिखेंगे जो कि दोनों बहुत ही शानदार प्लेयर है। कायल मिरर की बात करें तो लास्ट मैच केविन मिरर की बात करें तो लास्ट मैच में आप देख सकते हो बहुत ही शानदार विनिंग इन्होंने हमें करवाई है, और लगातार आपको अल्ट्रा क्लीनशिप करते नजर आएंगे हमें इनकी वजह से। 9 टच पॉइंट, 7 बोनस पॉइंट, टोटल 16 रेड पॉइंट प्लस 4 टैकल पॉइंट करके टोटल 20 पॉइंट इन्होंने मैच से निकाले। के ताइलैंड की बात करें स्टार्टिंग के 4-5 मैच को निकाल दो तो उसके बाद लास्ट के 4-5-6 मैच से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। वही अगर यहाँ पर भाई बात करें टीम की, तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरी बात भाई यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से विजिट कर लेना है, ऐसा मोलो हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो आप यहाँ से सी कोने या फिर भाई वी मुतोरी को अपना मतलब समोलो के अलावा भाई आप यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ से एफ डेनिस को ट्राई कर सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं, इन्हें भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप है ना इन्हें जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बात करें अगर यहाँ पर भाई आपके लिए ऑलराउंडर सेक्शन से, तो यहाँ से जे ओरा मास्टर पिक रहेंगे, सीन अम्बुसवा को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा, लेकिन भाई बाकी देखते हैं इन्हें ट्राई करना है नहीं करना वो भाई बाद में डिसाइड करेंगे, बट हाँ टीम में जरूर रखूंगा, सीवीसी के तौर पर इन्हें ट्राई करना नहीं करना वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ पर के ओडे जैसे मैंने आपको बताया काफी मैच से खेले नहीं, अगर खेलते हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में जरूर से मौका दे सकते हो। बात करें अगर यहां पर भाई डिफेंस सेक्शन की, तो यहां से आपके लिए देखिए कायल केविन वीरे और कायल टाइलसन, ये दोनों आपके लिए टाइलैंड दोनों आपके लिए मास्टर पिक रहेंगे। अब इनकी तरफ से एन नगूरे और यहां से भाई बी नगामो, इन दोनों को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, ये दोनों भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीवीसी की बात करें कैप्टनसी यहां पर भाई मैं जे ओरा को दे रहा हूं, लास्ट मैच में आप देख सकते हो बेहतरीन विनिंग इन्होंने हमारी करवाई थी, और वीसी यहां से मैं अभी के लिए समोलो को दे रहा हूं, और अगर आपको सेफेस्ट साइड पकड़नी है तो कैप्टनसी या समोलो को देकर वीसी आप यहां से या तो एन नगूरे को दे सकते हो या फिर भाई यहां से आप दे सकते हो जे ओरा को, ठीक है। ये आपके लिए भाई 4 ऐसे प्लेयर है, 1, 2, 3 और यहां से 4 जो आपके लिए सीवीसी के अच्छे खासे दावेदार रहेंगे। इसके अलावा पांचवे की अगर बात करें, इनके बाद अगर कोई दावेदार रहेगा सीवीसी का तो वो रहेगा कायल वीरे, ठीक है। तो अभी के लिए खैर मैं जेल ओरा को वीसी दे रहा हूं और कैप्टनसी या समोलो को दे रहा हूं, फाइनल टीम में जो भी होगा देखा जाएगा, अभी के लिए इसी टीम में यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो इस टीम की भाई
प्रीव्यू आपके सामने, ऑलमोस्ट फाइनल टीम में कोई भी चेंजमेंट अगर होता है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।